हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने RRB NTPC स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 10 लेके आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जो USA में एक यंकी नाम का स्टेडियम है, काफ़ी पॉपुलर स्टेडियम है, वो कहाँ पर है USA में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। ये स्टेडियम है जो न्यूयॉर्क USA में है। देखिए, ये जो यंकी स्टेडियम है ये बेसबॉल का एक पार्क है और इसका जो ओनर है, मालिक है जो इसके, वो है न्यूयॉर्क सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी। इसको ओपन किया गया था 2009 में, 2009 साल में। और जो न्यूयॉर्क है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, UN है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड का, उसका हेडक्वार्टर भी है। ओके, याद रखेंगे ये भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कौन सी फॉर्म है एनर्जी की, जिसको कौन सी दूसरी फॉर्म में चेंज करती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर है जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EMI भी बोलते हैं, उस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। और इसमें क्या होता है, जो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उससे वोल्टेज इंड्यूस होती है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको DC सोर्स से भी पावर किया जा सकता है और AC से भी, दोनों से पावर किया जा सकता है। और इसके अपोजिट जो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन ए कार टेक्स ए बैंड, जब कोई एक कार है जब चल रही है, मूविंग है, वो एक बैंड लेती है, मुड़ती है कहीं पर, तो एक फोर्स होता है जो कि बाहर की तरफ, जो कर्व बनती है उससे बाहर की तरफ हमें पुश करता है, धक्का देता है, वो कौन सा फोर्स होता है पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हिंदी में हम अपकेंद्री बल भी बोलते हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये एक अपेरेंट टाइप का फोर्स होता है, जो कि एक पूरा स्पष्ट अपेरेंट होता है, स्पष्ट क्लियर जो एक फोर्स होता है, जो कि जब हम एक मूविंग कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहे हैं तो हमें वो फोर्स एक धक्का सा पुश महसूस होता है उस फोर्स के कारण। ओके, तो ये कर्व्ड पाथ पे जब हम मूव करते हैं वो फोर्स होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो थी आउटवर्ड। ओके, याद रखेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ये, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें पुश करता है। नेक्स्ट एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको भी जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्राभिमुख बल। ओके, और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये होता है नेसेसरी फोर्स टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन कर्व्ड पाथ, पाथ पे कर्व्ड पाथ पे मूव करने के लिए जो नेसेसरी फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर केंद्राभिमुख बल। और इसकी डायरेक्शन याद रखेंगे हमेशा, इसकी डायरेक्शन होती है जो इनवर्ड होती है, इनवर्ड डायरेक्शन होती है, जैसे ये सेंटर ऑफ रोटेशन है उसके इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड में ये लागू होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया, जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट किस डिपार्टमेंट का होता है इनमें से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CSIR। जो CSIR है उसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना की गई थी 1942 में, याद रखेंगे। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी हमेशा इसके वो प्रेसिडेंट रहेंगे जो भी हमारे PM होंगे। ओके, कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनके PM एक्स ऑफिशियो ऑफिसर होते हैं, जानते हैं उनके नाम। ये है नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल,
नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जो हेड होते हैं हमेशा पीएम होते हैं, ओके। और ये जो ऑप्शन है इनकी फुल फॉर्म जानते हैं, सीएलआरआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे हमारा जो अभी न्यूएस्ट जो रिसर्च सेंटर या रिसर्च बेस कमीशन किया गया वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारती, जो न्यूएस्ट सबसे लास्ट में जो एंटार्कटिका पे हमारा रिसर्च स्टेशन या रिसर्च बेस एस्टेब्लिश किया गया है वो भारती है उसका नाम, ओके याद रखेंगे। देखिए हमारे जो तीन टोटल बेस हैं एंटार्कटिका पे, सबसे पहला था जो वो था दक्षिण गंगोत्री, सेकंड था मैत्री और थर्ड ये अभी भारती, ओके। जो एंटार्कटिका है उसके बारे में जानते हैं पॉइंट्स, ये अर्थ का सबसे साउदर्न मोस्ट जो सबसे दक्षिण का जो कॉन्टिनेंट है वो है ये, और ये आइस से जो बर्फ से घिरा हुआ है पूरा, और इसके टू पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, एक को बोलते हैं ईस्ट एंटार्कटिका और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट एंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है गगन नारंग वो कौन से स्पोर्ट से कौन सा खेल खेलते हैं वो? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी एयर राइफल शूटिंग, ओके वो शूटिंग से रिलेटेड है। जो ये जो गगन नारंग जी हैं ये 2012 का जो ओलंपिक हुआ था लंदन में उसके सबसे पहले इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए, और उन्होंने जो 2012 का ओलंपिक हुआ लंदन में उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, एयर राइफल शूटिंग का जो इवेंट था 10 मीटर का, ओके। एक और फेमस प्लेयर है इंडिया के शूटिंग के जीतू राय, उनके बारे में एक दो पॉइंट्स जानते हैं, वो 10 मीटर एयर पिस्टल और 15 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको 2016 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया और 2020 में अभी करंट में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और जो 2014 के एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी जीतू राय जी ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो कब फाउंड की गई, कब उसकी स्थापना की गई, कौन से साल में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1975 1975 में। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रेडमोंड वाशिंगटन में, फाउंडर्स हैं इसके बिल गेट्स और पॉल एलन, इसके जो करंट में सीईओ है उनका नाम है सत्या नडेला जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। 2016 में ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वाली कंपनी थी सॉफ्टवेयर की कंपनी में, ओके। और जो करंट है करंट में जो अल्फाबेट और गूगल, देखिए गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो याद रखेंगे वो अल्फाबेट है, तो करंट में ये कंपनीज हैं जो इनका रिवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा है, लेकिन 2016 में ये टॉप पे थी रिवेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसा अंग है जो एक ग्रंथि नहीं है हमारे शरीर की? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी गैल ब्लैडर, इसको हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली या फिर पित्ताशय, ओके ये एक ग्लैंड नहीं होती हमारे शरीर की, बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए वो ग्लैंड होती हैं। सबसे पहले जो एड्रिनल ग्लैंड है ये होती है हमारे किडनी के थोड़ा सा ऊपर अपर पार्ट पे, इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी हम याद रखेंगे। जो लीवर है वो होती है हमारी सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, जिसको एक्जोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ओके। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सी है, ओके ये तो ग्लैंड थी, अगर ग्लैंड पूछा जाए तो लीवर है सबसे बड़ी, और अगर ऑर्गेन पूछा जाए तो पहले नंबर पे आएगा स्किन और दूसरे नंबर पे फिर लीवर, ओके। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, ओके याद रखेंगे। एक और ग्लैंड है इंपॉर्टेंट, वो है थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड है जो लार्जेस्ट हार्मोन मेकिंग एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर हार्मोन मेकिंग पूछी जाए सबसे बड़ी तो थायरॉयड ग्लैंड। एक ग्लैंड है पैराटॉयड ग्लैंड, ये होती है सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्लीवरी ग्लैंड होती है ये पैराटॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया है जो 2015 है ईयर था उसमें रेसलिंग के लिए कुश्ती के लिए अर्जुन अवार्ड कौन से प्लेयर को मिला? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए बबीता कुमारी, बबीता कुमारी को 2015 में रेसलिंग के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ओके।
जो बबीता कुमारी है वो भिवानी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। उन्होंने 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीता था, और दो जो 2018 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अर्जुन अवार्ड के बारे में एक दो पॉइंट्स जानते हैं। ये जो दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ये 1961 में देना स्टार्ट किया गया। इसमें 15 लाख का जो कैश दिया जाता है, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है अर्जुन का, और एक स्क्रॉल दिया जाता है। अभी 2020 में करंट में 27 अलग अलग एथलीट्स को ये मिला है अर्जुना अवार्ड, और अभी तक 2020 तक टोटल जो अवार्ड दिए जा चुके हैं वो है 899, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक आईपी एड्रेस होता है वो उसमें जो डॉटेड फॉर्मेट होती हैं उसमें हर एक सेट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी ऑक्टेट। देखिए, जो जनरली आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का बाइनरी एड्रेस होता है, 32 बिट का, ओके। इसमें क्या होता है, फोर जो 8 बिट्स के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको उनको बोलते हैं ऑक्टेट्स, ओके। जो ये 32 बिट को हम 4 अलग अलग पार्ट में 8 बिट के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको ऑक्टेट्स बोलते हैं। और जो डेसिमल फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, जो डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट होता है उसको डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में, और ये 32 बिट का टोटल जो आईपी एड्रेस होता है, ओके। और जो आईपी एड्रेस होता है ये हर एक कंप्यूटर के लिए, जो हर एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके लिए यूनिक होता है। किसी भी दो सिस्टम्स का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं होता कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में उसको कौन सी ड्यूरेशन के दौरान बनाया गया था, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, 1921 से 1927 के बीच पार्लियामेंट हाउस बनाया गया था। जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूड होते हैं। जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है एडविन लुटेंस और हर्बर्ट बेकर, याद रखेंगे, हमारे पार्लियामेंट हाउस के ये आर्किटेक्ट हैं। और जो अभी करंट में 2020 ईयर में जो पार्लियामेंट हाउस है उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, उसको एक जो प्रोजेक्ट है मेन उसका नाम याद रखेंगे वो है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो एनेमिक कंडीशन होती है, एनेमिक की जो डिजीज होती है उसकी कंडीशन होती है वो किस चीज़ के कारण होती है। सही आंसर होगा डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कमी से। देखिए, जो एनीमिया होता है वो मेनली या तो ब्लड लॉस के कारण, या फिर जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स उनकी कमी होने के कारण, उनमें कमी होने के कारण, या फिर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी होती हैं उनकी जो है डिवीजन के कारण, वो ज़्यादा टूट रही हैं आपस में, ओके, उनके ब्रेकडाउन के कारण, इन तीनों चीज़ों से एनीमिया डिजीज होती है। और जो मेन कॉज होता है वो होता है आयरन की डिफिशेंसी, हमारी बॉडी में आयरन की कमी से ये डिजीज होती है मेनली। करंट में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो 42% चिल्ड्रन हैं जो उनकी एज है 5 साल से नीचे उनमें एनीमिया है, और जो 40% प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें भी एनीमिया है करंट के जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल है, त्यौहार है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। जो नागालैंड का एक ये फेमस फेस्टिवल है, इसको स्टार्ट किया गया था 1 दिसंबर 2000 को, और अभी करंट में होना ही है 1 से 10 दिसंबर 2020 के बीच, ओके। इसका एम होता है, इस फेस्टिवल का मेन, टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड की संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, उसको पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना। नागालैंड के बारे में पॉइंट्स जानते हैं, नागालैंड की कैपिटल है वो है कोहिमा, और इसके CM है जो करंट में उनका नाम है नेफ्यू रियो, और करंट गवर्नर है RN रवि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, किसी वित्तीय वर्ष के लिए, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो, जो ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट को बोरो करनी होती है, उसको उधार लेनी होती है, उसको बजट डेफिसिट, या फिर जो डेफिसिट होता है मेनली घाटा, जो कमी होती है घाटा होता है। देखिए, जो रिवेन्यू इसमें क्या होता है, बजट डेफिसिट में जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें दो मेनली दो टाइप के डेफिसिट होते हैं, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, ओके। और जो ये यूनियन बजट है इसके बारे में एक जो पॉइंट्स जानते हैं, जो हमारा
सरकार का ईयरली जो बजट आता है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आर्टिकल 112 जिसके अंडर में ये दिया गया है। और 2016 तक जो लास्ट दिन होता है फरवरी महीने का उस दिन को हमारा एनुअल बजट पेश किया जाता है, ओके, लास्ट डे को फरवरी का। और अभी करंट में क्या करने लगी है, करंट जो गवर्नमेंट है वो 1 फरवरी को जो है बजट पेश करने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको जो पीएम मोदी है उन्होंने 2014 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया, उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया, ओके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, INS विक्रमादित्य। जो INS इंडियन नेवी शिप है जो विक्रमादित्य, उसको 2014 में पीएम ने नेवी में इंडक्ट किया था। देखिए जो ये INS विक्रमादित्य है ये KIEV क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। अभी जो इंडियन नेवी में करंट में लगभग 150 शिप्स और सबमरीन्स हैं। करंट जो अभी करंट ईयर में ही 5 मई 2020 को इंडियन नेवी ने एक समुद्रा सेतु नाम का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया, जो हमारे COVID-19 की वजह से बाहर के देशों में हमारे जो लोग फंसे हुए थे उनको ये लेके आए इस ऑपरेशन के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो फायरवेल है उसके बारे में इनमें से ओड स्टेटमेंट कौन सी है, जो कंप्यूटर का फायरवेल होता है कंप्यूटर में उसके बारे में ओड स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट कौन सी है जो सही नहीं है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, फायरवेल कैन बी ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ओके। जो फायरवेल है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। देखिए जो फायरवेल होता है वो सॉफ्टवेयर का भी काम करता है हार्डवेयर का भी, दोनों में ये हो सकता है। बाकी तीन ऑप्शन है जो वो सही नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन सी ऑड वन आउट है। देखिए जो फायरवेल होता है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि जो इनकमिंग ट्रैफिक होती है कंप्यूटर नेटवर्क में और आउटगोइंग ट्रैफिक होती है उसको ये मॉनिटर करता है। और जो ये फायरवेल है वो एक कैरियर का काम करता है जो एक ट्रस्टेड नेटवर्क है और एक अनट्रस्टेड नेटवर्क है, इन दोनों के बीच कैरियर का काम ये फायरवेल ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्किल कनेक्ट फॉर्म वेब पोर्टल है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है करंटली, ओके। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है और जो ये वेब पोर्टल है ये जो एक गैप होता है जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढने वाले होते हैं और जो प्राइवेट एम्प्लॉयर होते हैं जिनको जॉब देनी होती है उनके बीच के गैप को कम करेगा ये बहुत। इस पोर्टल पे जो जॉब्स के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। जो कर्नाटका है वहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के करंट CM है BS येदुरप्पा जी और करंट गवर्नर है वाजुभाई वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, जो ट्रैफिकिंग होता है जो तस्करी मानव की जो तस्करी की जाती है उसके अगेंस्ट जो वर्ल्ड डे वर्ल्ड लेवल पर एक डे मनाया जाता है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जुलाई, 30 जुलाई को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ओके। ये एनुअली फंक्शन होता है और ये होता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं और उनको जो प्रोटेक्शन करनी होती है उनके राइट्स की उनके बारे में लोगों को अवेयर करना जागरूक करना इसका एम होता है मेन। जो अभी सबसे पहले ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया वो 30 जुलाई 2014 को मनाया गया था, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो करंटली कौन सा कंट्री है जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ऑब्जर्वर कंट्री कौन सा कंट्री बना करंट में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। जो तुर्कमेनिस्तान देश है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है और ये 25वां ऑब्जर्वर कंट्री बना है WTO का, ओके। WTO के बारे में जानते हैं, WTO जो ये इससे पहले इसका नाम GATT था, GATT GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको WTO जो नाम दिया गया, WTO बना जो ये वो 1 जनवरी 1995 को बना और ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है। टोटल मेंबर्स अभी करंट में इसके 164 हैं, 164 मेंबर। जो सबसे लास्ट मेंबर 164वां मेंबर ऐड किया गया वो 2016 में अफगानिस्तान ऐड किया गया था और 163वां मेंबर भी याद रखेंगे वो था लाइबेरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछा गया जो इंडिया की पहली जो लोक अदालत लॉन्च की गई है वो कौन से स्टेट या यूटी, कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। सबसे पहले जो लोक अदालत बनाई गई वो छत्तीसगढ़ में शुरू कर दी गई है और ये शुरू की गई है अभी करंटली ही 11 जुलाई 2020 को। ओके, याद रखेंगे। जो ये ई लोक अदालत बनाई गई है इसकी डेवलपमेंट की गई है जो वो की गई है छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा और जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ की उनके द्वारा। ओके, और छत्तीसगढ़ के जो करंट में चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के उनका नाम भी याद रखेंगे, उनका नाम है जस्टिस पी आर रामचंद्रन मेनन। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ की कैपिटल वो है रायपुर में, करंट सीएम का नाम है भूपेश बघेल जी और करंट गवर्नर है अनसुईया उइके जी। ओके, तो ये भी हम याद रखेंगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और उनके बारे में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी वीडियोज के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।